नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसे डिश जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ी। ढाबों की ये खास चिकन कढ़ी अपने अनोखे मसालों और देसी स्वाद के लिए मशहूर है। अगर आप ढाबे जैसा असली और तड़केदार स्वाद घर पर ही पाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। इस ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ी को हम बहुत ही कम टाइम में घर पे बना के तैयार करेंगे और बैचलर के लिए भी ये परफेक्ट चिकन कढ़ी की रेसिपी होने वाला है। तो मैं हूँ सुप्रिया सिंह और स्वागत है आपका एसएस किचन में। तो चलिए बनाते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम सरसों के तेल ऐड करेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम तेल में रखने के लिए कुछ साबुत मसाले यूज करेंगे, जिसमें 4 पीस छोटी इलायची लेंगे, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर लेंगे, 3 से 4 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा लेंगे, 10 पीस लौंग लेंगे। इस सभी को हम तेल में ऐड करेंगे और इस सभी मसाले का कलर हम गोल्डन होने देंगे। 3 से 4 तजपत्ता ऐड करेंगे और 2 यहाँ पे रेड वाली सूखी मिर्च लेंगे और इसे भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 700 ग्राम प्याज लिए हैं और उसे हमने स्लाइस में इस प्रकार से कट कर लिए हैं। जब सभी खारे मसाले का कलर चेंज हो जाए तो हम प्याज को ऐड करेंगे और हम सभी मसाले और तेल के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा तेल नहीं लिए हैं। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक हम प्याज में ही ऐड करेंगे जिससे कि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाए और हम अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। मेनली प्याज को हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। मेन चिकन का टेस्ट मसालों से ही स्टार्ट होता है। तो प्याज को हमने 3 मिनट तक भून लिए है। प्याज अब हल्का सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए है और टमाटर को हमने बारीकी से कट कर लिए है। प्याज 3 मिनट भून जाए तो उसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे प्याज और टमाटर को मिक्स करके 2 मिनट और भूनेंगे जिससे कि टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्याज के साथ टमाटर को भी 2 मिनट अच्छे से भून लिए हैं। अब टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो ओवरऑल अभी हमें 5 मिनट लगा है प्याज और टमाटर को कुक करने में। तो यहाँ पे हमने 1 kg 300 ग्राम चिकन लिए है और चिकन के साइज यहाँ पे मीडियम रखे है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं चिकन का। अब हम प्याज और टमाटर में चिकन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 kg 300 ग्राम चिकन लिए है तो जितना चिकन होगा ना उसका 1/2 प्याज रखना है। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्स 700 ग्राम प्याज यूज किए हैं। अब हम प्याज और टमाटर के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे चिकन में। अदरक और लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अदरक और लहसुन चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हम ढक के 5 मिनट कुक करेंगे। अभी यहाँ पे हमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। विदाउट मसाला ऐड किए ही इसे 5 मिनट हमें कुक करना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो अदरक और लहसुन के साथ पकते हुए चिकन को 5 मिनट हो गया है। इसे अब हम ओपन कर लेते हैं और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को अदरक और लहसुन के साथ पकाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे कि चिकन के अंदर भी अदरक और लहसुन का फ्लेवर चला जाए। तो इसे हमें 5 मिनट पकाना है अदरक और लहसुन के साथ चिकन को। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे चिकन में, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर ऐड करेंगे। मिर्चा आप अपने स्पाइसनेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम सभी मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चिकन को मसाले के साथ 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए। तो इसे हम कवर करके भूनेंगे और बीच बीच में हम चिकन को चलाते रहेंगे ताकि चिकन सरफेस पे चिपके नहीं और मसाला भी अच्छे से भून जाए। तो चिकन को मसाले के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। हम ढक्कन को हटा लेंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें चिकन को मसालों के साथ तब तक भूनना है जब तक कि चिकन और मसाले से तेल अलग न हो जाए। अब यहाँ पे हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे जिससे कि चिकन का कलर और भी अच्छा हो जाए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चिकन और मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो गया है। 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम को ऐड करने से जो ग्रेवी हमारा बन के तैयार होगा ना, काफी क्रीमी बन के तैयार होगा। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद 2 मिनट चिकन को कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो अब हम चिकन को यहाँ पे 2 मिनट क्रीम के साथ अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे अप्रोक्स हमने 800 ml पानी चिकन में ऐड किए हैं चिकन को कुक करने के लिए। आप यहाँ पे अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चिकन को हम ढक के कुक करेंगे 10
10 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। चिकन को हम बीच में एक बार चला भी लेंगे ताकि चिकन सरफेस में चिपके नहीं। तो चिकन को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब ढक्कन को हम हटा लेंगे और चिकन को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चिकन में हम एक चम्मच घी ऐड करेंगे। घी के ऐड करने से चिकन का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसे ढक के 5 मिनट और हम कुक करेंगे। गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। तो चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चिकन देखने में कितनी लजीज लग रही है। अब यहाँ पे चिकन में हम एक चम्मच चिकन मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम चिकन में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गरम मसाला को ऐड करने के बाद चिकन को हम 5 मिनट और कुक करेंगे ताकि ग्रेवी भी अच्छे से सेट हो जाए और गरम मसाला का फ्लेवर भी चिकन के अंदर अच्छे से चला जाए। या आप चिकन को तब तक कुक करें जब तक कि चिकन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को भी आप अपने घर में एक बार जरूर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ी बैचलर के लिए, स्टूडेंट के लिए या बिगिनर्स के लिए, सभी के लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान होने वाला है और इसका टेस्ट भी उतना ही लाजवाब होगा। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। गैस को अब हम बंद कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।